भाई डंपिंग यार्ड के अंदर ये देखो सनसेट पॉइंट भाई भयंकर। ले आ जा तू तो आ जा, कोई डर ना है अपने को। दोनों तरफ पे भाई पंख लगा गए दोनों तरफ में। ये देखो सुरेंद्र रावत 01 तो जल्दी जल्दी से फॉलो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्रूटल राइडर 01। तो कैसे हो सब मेरी जान, आई होप के ना सब अच्छे होंगे। और आज निकल गए तुम्हारा भाई वापस से एक इवनिंग राइड पे। और आज हम जल्दी ही निकले क्योंकि आपको पता भी हो रहा है सर्दी का टाइम, तो सर्दी के अंदर क्या होता है कि भैया ना जल्दी से अंधेरा हो जाता है। तो हमने सोचा है ना दिन के अंदर ही निकल जाते, तो हम निकले दिन के अंदर। और आपको एक अच्छी सी बात बता देता हूँ भाई कि आप सब ना इंतज़ार कर रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे उस चीज़ का कि भाई जय सिंह भाई जो है भाई व्लॉग्स के अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं। कौन? जय सिंह भाई। तो आज आ गए हैं हमारे जय सिंह भाई वापस से व्लॉग बनाने के लिए। ये देखो ये रहे हैं जेएस ब्रदर, जेएस मोटो व्लॉग। आज बहुत ही दिनों बाद में, सही बता रहा हूँ, अपने चैनल पे लगभग ना 2 महीनों बाद ही ये दिख रहे होंगे क्योंकि इनके कुछ भाई फैमिली प्रॉब्लम्स या इनके पता नहीं पर्सनल प्रॉब्लम्स कुछ चल रही थी, तो इस वजह से ये आ नहीं रहे थे। तो अब वो सब चीज़ है ना दूर हो गई है। तो अब अपने भाई जय सिंह भाई वापस आ गए हैं अपने व्लॉग के अंदर, अपने ग्रुप के अंदर। तो अब भाई वापस से मचाएंगे ना तबाही। जो भाई जो लोग बोल रहे थे ना भाई ऐसा हो गया वैसे हो गया, दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बस भाई नीड प्रॉब्लम्स की वजह से ये सब कुछ हुआ था। तो जय सिंह भाई आ गए हैं वापस से, निकलते हैं एक अच्छी सी राइड के ऊपर। आज हम सोच रहे हैं ना हाईवे की राइड करेंगे। और आज हमारे साथ में राजू भाई, सुनील भाई। सुनील भाई वो है जिसने ली थी अभी भाई ड्यूक 250, जो नया मॉडल आया ना अभी वो ड्यूक 250 वाला, वो वाला मॉडल वो उन्होंने लिया है ऑरेंज कलर के अंदर। वो यहाँ पे फ्यूल पंप पे फ्यूल वगैरह भरवाने गए हैं, तो अभी वो आएंगे तब अपन साथ में ही निकलेंगे जय सिंह भाई। और ये बोल रहे थे कि अपन जो है ना भाई डंपिंग यार्ड की तरफ चलेंगे, बहुत दिन हो गए। तो मैंने बोला चलो कोई ठीक है भाई, कोई दिक्कत ना आए, तो बस एक बार वो आ जाए फिर निकलते हैं वापस से, तब तक करते हैं उनका इंतजार। 5 मिनट्स लेटर। और आपको भाई जो है ना हवाई जहाज दिखाऊंगा मैं, हवाई जहाज है ना, हवाई जहाज दिखाऊँ। ये देखो राजू भाई हवाई जहाज बना गए है अपने भाई को। ये देख रहे हो दोनों तरफ पे भाई पंख लगा गए है दोनों तरफ में। ये देखो देख रहे हो कौन सा क्रेज गार्ड है भाई, इसकी बोल रहा हूँ मैं इसकी। ये देखो पंख लगा गए हैं, अब ये उड़ाएंगे इसको। ये भाई उड़ेगी अब भाई, ये आगे देखो इन्होंने बॉर्डर पे लाइन लाइट वगैरह लगाई है। ये देखो ये जो रेड वाली लाइट है ना भाई, इससे एक अलग ही लुक आ रहा है। ये देखो है ना नाइट के अंदर तो भाई एक डेविल सा लुक लगता है इसके अंदर। और राजू भाई ने ये लगाया, देखो नीचे का क्रैश गार्ड दिख रहा है, ये वाला भी लगाया है। और ये भाई ये पंख है ना मेरे को एक नंबर लग रहा है इसके अंदर। हाँ हाँ देख लो, हाँ धीरे धीरे चलते जब तक वो आ जाएगा, जब तक भाई धीरे धीरे चलते हैं। जय सिंह भाई बोल रहे हैं डंपिंग यार्ड चलेंगे, ठीक है भाई कोई दिक्कत ना है। और भाई किस किस ने अभी तक एनिमल फिल्म देख ली है और किस किस ने नहीं देखी वो भी बता दो भाई। भाई ट्रेंड चल रहा है ना एनिमल का भी भाई, इंस्टा पे मैंने रील्स वगैरह देखी है, जो बंदा भाई ना एनिमल देखने नहीं गया उसकी ना हंसी उड़ा रहे हैं भाई। इसमें क्या है भाई, मूवी तो है। इस आ रहा वो फ्यूल भरवाने गया है, फ्यूल भरवाने गया मेरा भाई, फ्यूल भरवा का ही रहा है। बहुत सारी दिक्कत ही दिक्कत आ रही है, बाइक भाग नहीं रही है। मेन तो पता नहीं भाई इसके अंदर सिस्टम समझ में नहीं आ रहा भाई, 90 से ऊपर जाता है भाई इससे क्या ना रेस अटक रही है। तो भाई एक बार क्लच प्लेट वगैरह डलवा ले फिर कंफर्म हो जाएगा भाई क्लच प्लेट की वजह से दिक्कत है या कुछ जनरल ही अलग ही दिक्कत है। और मैं ना आज ना डीबी किलर लगा के ही आया हूँ, मैं डीबी किलर लगा के आया हूँ क्योंकि भाई लाउड है ना ज़्यादा पसंद नहीं है। शुरू के अंदर तो भाई अच्छा लगता था, जब मैंने ना एडजस्ट लगाया ही था तब तो भाई मज़ा आता था हाँ, लेकिन अभी है ना भाई बिल्कुल मन से उतर गया कि एडजस्ट लगाए। और मैंने अभी जो है थोड़ी देर पहले ए बी भाई को जो है कॉल किया था कि भाई ला जाओ व्लॉग वगैरह बनाने चलते हैं। ए बी भाई के भाई अभी जो है ए बी भाई फोटोग्राफी का काम करते हैं, तो ए बी भाई के जो है अभी शादी का सीजन चल रहा है, तो उनके चल रही है भाई साइड है ना आप सना। तो राजू भाई ने बोला कि भाई मैं अभी नहीं आ सकता, एक दो दिन की और बची है अपने। अंकल जी क्या बोल रहे हैं राजू को? अच्छा बाहर से नहीं आए, हम तो यही से आए। और ये क्रेश गाड़ी इतना छोटा कैसे लगाया तूने? ये देख हमारा देख, हाँ कहा है वो? वो तो पूछ रहा था कहीं बाहर से आए हो क्या। हमने बोला नहीं भाई अजमेर के लौंडे हैं। हाँ चले, में हमारी गाड़ी दिखेगी मॉडिफाई वाली या नहीं दिखेगी? ये नहीं दिखेगी? अरे ओए थमलेन में मॉडिफाई बाइक की दिखेगी या नहीं दिखेगी? ये पंख लगाने से उड़ेगी थोड़ी है। ये देखो ये वाली रेड लाइट है ना भाई, मेरे को एक नंबर लग रही है। बस ये देखो इसका लुक जो अलग ही आ रहा है एक नंबर। ये देखो
देख रहे हो दिन के अंदर भी है ना इतनी एकदम इतनी अच्छे से लग रही है, तो भाई नाइट के अंदर क्या होगा। नाइट के अंदर तो भाई है ना फाड़ने वाली है ये, कसम से एक नंबर लग रही है। बाकी ये पंख मेरे को सही लग रहे हैं क्योंकि ये हवाई जहाज के अच्छे लगते हैं, एरोप्लेन के अच्छे लगते हैं। ये देखो इन्होंने अपनी बाइकों के ऊपर भी लगा दिए है, और राजू भाई ने ये लगाया देखो क्रैश गार्ड, ये देखो देख रहे हो क्रैश गार्ड के साथ साथ मैं नंबर प्लेट हटा दिए, और ये टायर का घस दिया इतने जल्दी, वो देख उस टायर की, मेरे वाला टायर देख और इसको देख, ये क्या कर दिया ये देख, कोई कदर ही नहीं है भाई तेरा अच्छी चीज की। जा नहीं ये ले रहा थम लेने के अंदर भाई, तुम्हारा भाई सिस्टम हिला दे अपनी फोटो पे आई थम लेने के अंदर चले। क्या पंख लगा लिए उड़ेगी नहीं भाई, एरोप्लेन के बराबर ही नहीं कर सकती है। अबे पागल लगा तू, स्टैंड है भाई स्टैंड है, और घेर के अंदर है नहीं होगी स्टार्ट, तू नहीं जानता तेरी वो BS3 नहीं है ये। स्टैंड पूरी ऊपर कर, ये तेरी वो नहीं है, स्टैंड पूरी ऊपर कर। अरे ये नहीं जानता इसको अभी नहीं वो स्टार्ट करनी, बस रहने दे। ला जा अपनी अपनी बाइक चलाते हैं, किसी को दुख ना होगी मेरी बाइक ऐसी चला। और मेरी बाइक तो 90 से ऊपर भाग ही नहीं रही है भाई, क्लच प्लेट जाने की वजह से। तो चलो भाई निकलते हैं और आज के व्लॉग को करते हैं यही से धमाका था स्टार्ट। और मैं सोच रहा कि भाई हाईवे पर ऊपर ना एक बार रेस लगा ही ले अपन, अभी हम आ चुके हैं ना किशनगढ़ पहुंच गए हैं। और डंपी यार्ड का रास्ता जो है भाई ना एक साइड में जाता है, जो किशनगढ़ से जो है ना भाई अपने जाता है परबतसर कुचामन के साइड में, उस रास्ते के ऊपर आता है अपने डंपी यार्ड। तो हम निकल गए हैं अभी डंपी यार्ड की तरफ रास्ते के अंदर, ये सीधा जो है भाई चला जाएगा जयपुर, उस तरफ में है अपने किशनगढ़ का रास्ता, और हमें जाना है पुलिया से इस तरफ जिस तरफ है भाई कुचामन और अपने डिडवाना साइड में यहाँ से रास्ता जाता है उस तरफ हमें जाना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूँ कि भाई पहले हमें जो है डंपिंग यार्ड के अंदर जाने से पहले बाहर उनका ऑफिस बना हुआ है, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी अंदर जाने के लिए। तो पहले अपन चलते हैं परमिशन लेने के लिए उनके ऑफिस के ऊपर, और फिर चलेंगे अपन डंपिंग यार्ड के अंदर। तो पहले हम चलेंगे ऐसे मार्बल एरिया की तरफ में, और डंपिंग यार्ड में आपको बता दूँ भाई जो है मार्बल का जो घेसवा जो पार्ट रहता है ना पूरा भाई, जो एकदम बस आटे की तरह हो जाता ना वो वाला पार्ट जो है भाई ट्रक वगैरह के अंदर ले जाके भर के उसके अंदर डाला जाता है, जिससे वो भाई वो जम के ना ऐसा हो गया कि जैसे भाई कोई बर्फ़ के टीले हो वैसे। तो दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे भाई बर्फ़ ही बर्फ़ है, लेकिन पास में जाने पे ऐसे ही पता चलता है कि भाई ये ना जो पूरी रेत ही रेत है। तो अभी हम निकल गए हैं यहाँ से और चलते हैं आगे की तरफ, और मिलते हैं आपको सीधा आगे अभी। और दोस्तों अभी हम आ गए डंपिंग यार्ड के अंदर, तो आए नहीं है लेकिन डंपिंग यार्ड एरिया की तरफ आ गए। और यहाँ देखो भाई पूरा मार्बल ही मार्बल का एरिया है, यहाँ पे चारों तरफ भाई एक ही है मार्बल, और ये इसी यही जो मार्बल है ना भाई घिस फिस के जाता है उस तरफ में, और इसी से जो है भाई अपने बना है डंपिंग यार्ड। ये जितने भी भाई मार्बल वगैरह सब दिख रहे हैं ना इसी से भाई घिस घिस के वो जो है पूरा मलबा इकट्ठा हुआ है, और इससे बना है भाई पूरा मिलके बना है अपने डंपिंग यार्ड। तो आगे चलते हैं सीधा और मिलते हैं डंपिंग यार्ड के पास में। और दोस्तों हम एंटर हो चुके हैं डंपिंग यार्ड के अंदर, और आपको दिखाने वाला हूँ भाई राजस्थान की एक खूबसूरत जगह जो कि है मात्र अजमेर से 20 किलोमीटर की दूरी पे। तो अभी दिखाएंगे आपको एक नंबर लोकेशन, यहाँ पे भाई प्री वेडिंग शूट वगैरह फोटोशूट भाई वीडियो शूट भाई रील्स वगैरह सब एक नंबर होता है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। इसी तरफ है आगे, और ये देखो भाई स्टार्ट हो गया, ये देखो बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रहा होगा आपको है ना, अभी आपको दिख रहा होगा भाई यहाँ पे बर्फ ही बर्फ चारों तरफ बर्फ। ये देखो पार्क वगैरह सब बनाए हैं यहाँ पे बच्चों के लिए, ये देखो, और ये देखो भाई घोड़े वगैरह भी है ताकि रील्स वगैरह के लिए और इनके अंदर काम आ सके यहाँ पे। और ये जो रील्स वगैरह बनाते हैं और प्री वेडिंग वगैरह के अंदर अगर जिसको भी भाई घोड़े वगैरह चाहिए सब कुछ। और भाई भीड़ देख रहे हो भाई आज तो भाई कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, क्योंकि मैं ना हमेशा अब जब हम आते इधर तो भाई बिल्कुल भीड़ नहीं रहती है, और आज देख रहे हो भाई क्या ही भीड़ हो रही है यार फाड़ू। ये देखो भीड़ का तो भाई लाजवाब भीड़ एक नंबर हो रही है। तो अभी देखते हैं बाइक को किधर खड़ा करते हैं पहले,
आजा उधर खड़ी कर देंगे। भाई साहब भयंकर सीन चल रहा है यार, क्या ही भीड़ हो रही है, देख रहे हो ना, टूरिस्ट स्पॉट ज्यादा है ये तो। यहाँ पे ना भाई और अभी आपको दिखाएंगे अंदर भाई कितनी भीड़ वगैरह हो रही है, क्या सीन है क्या नहीं है। दोस्तों ये है राजस्थान का मिनी कश्मीर, आपने देखा नहीं होगा, हम दिखा देते हैं आपको। चलो और दिखाते हैं पहले आपको ना कितनी भीड़ वगैरह, देखो आज संडे है ना, संडे पे भीड़ ज़्यादा भाई, रेंदे काली काली है। ओहो भैया शॉर्ट्स अगर प्री वेडिंग की वजह से हमको बोल रहा है भाई, हाँ रुको थोड़ा सा, ये देखो प्री वेडिंग शूट वगैरह चल रहा है, ये देखो ले आ जा तू, तो आ जा को डरना है अपने को, आ जा विजय सिंह। जेस जेस मोटो ब्लॉग बहन का यू ये रोज हवाबाजी जी चलती रहती है। कश्मीर से वापस राजस्थान में चले जाना तू उस तरह। ऊपर चढ़ राजू, तू ऊपर चढ़ यहाँ पे और वो वाला कर देना, देख ओए ओए सबके बीच में जाके ये वाला कर देना, शाहरुख खान वाला। ये कर दूंगा मैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, ये एसआर के भाई भीड़ देख रहा हूँ ना एक नंबर। और भाई सनसेट वाला सीन तो भाई कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल आ रहा है, और सुनील दिख नहीं रहा है सनसेट के बीच में। और भाई डंपिंग यार्ड के अंदर ये देखो सनसेट पॉइंट, भाई भयंकर सनसेट होने वाला है। और ये भाई व्यू देख रहा हूँ ना एक नंबर लग रहा है भाई, कसम से है ना एक नंबर व्यू आ रहा है सनसेट का यहाँ पे डंपिंग यार्ड के अंदर। ये देखो सामने मैं नीचे देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना ऐसे ऐसे छोटे छोटे खड्डे हैं उसके अंदर, पैर चले गए भाई पता नहीं क्या होगा, लेकिन कुछ भी होगा जो खराब ही होगा। बाकी सनसेट का सीन देख रहा हूँ एक नंबर चल रहा है। और यहाँ पे है भाई अपने सेल्फी पॉइंट होगा मेरे को लगता है यहाँ पे, तो ना वहाँ पे जो है सेल्फी पॉइंट है, और सुनील भाई जा रहे हैं सेल्फी पॉइंट के पास में कुछ अजीबो गरीब चीज। 2000 years later. तो चलो भाइयों निकलते हैं फटाफट से और करते हैं राइड को वापस से ऑन, चलो निकलते हैं। और फाइनली दोस्तों अब निकल गए हैं डंपिंग यार्ड से, और अब हम चलेंगे अपने अजमेर की तरफ जो कि है यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पे। तो राजू भाई तो अपन इधर ही रुक जाएंगे और हम चलेंगे सीधा अपने घर की तरफ। आ जाओ भाई राजू, किशनगढ़ सॉरी मतलब अजमेर जाना पड़ेगा, क्यों अभी किशनगढ़ के अंदर हम हैं, राजू भाई रहते हैं किशनगढ़ तो, और हम रहते हैं अजमेर। मैं खुद ही भाई जो है कन्फ्यूज़ हो गया था कि मैं रहता काफ़ी हूँ आखिरकार में, फिर पता चला भाई मैं रहता हूँ अजमेर के अंदर और हम हैं अभी किशनगढ़ के अंदर। क्यों ना मेरा भाई, तो चलो फटाफट से चलते हैं क्योंकि अभी भाई सर्दी लगने लग गई है, क्योंकि अभी लगभग 6 बज गए हैं, हम निकलते थे घर से 4 बजे, तो 2 घंटे हो गए भाई पूरे पूरे एंजॉय करते हुए, और अब सर्दी लगना भाई स्टार्ट हो जाएगी। इससे अच्छा है भाई पहले ही निपट ले अपने घर की तरफ में। और भाई भयंकर भीड़ हो रही है क्योंकि ना इस टाइम पर जो है पूरी फैक्ट्री वगैरह ये जो मार्बल एरिया ना सबकी छुट्टी हो जाती है, तो सब अपने अपने घर पर निकलते हैं, सब एक साथ छुट्टी होती है। और आपको पता कितना बड़ा मार्बल एरिया भाई, बहुत ही बड़ा, तो यहाँ पे भाई कितनी लेबर जो काम कर दी होगी, तो सबकी छुट्टी एक साथ ही होती है, इस वजह से ना ये पूरी भीड़ ही भीड़ हो जाती है इस तरफ में। देख रहे भाई हवाबाजी कर रहे हो, यूँ ही चले जाएंगे हम तो, एक दिन भाई सबको जाना है तो ऐसे भाई पूरा इंजॉय करके जाओ ना भाई। बहुत सारा जो है सोचते कि हम इसकी जगह से रहे और हम सोचते कि हम किसी और की जगह रहे, भाई सबकी अलग अलग ख्वाहिश है, सब सोचते हैं कि भाई मैं वो काम करूं जो वो कर रहा है, और जो मैं काम कर रहा हूं उसके बारे में कोई दूसरा सोचता है कि मैं ये काम करूं। सब भाई एक दूसरे का देख के भाई रहते हैं कि मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, लेकिन कोई भी अपने अपने काम से खुश नहीं है, कोई भी अपने अपने मुकाम पर जो है खुश नहीं है अभी। बाकी देख रहा हूँ भाई रास्ता कितना ख़राब हो रहा है भाई, तो भाई जय सिंह भाई तो आ गए, अब राजू भाई का पता नहीं राजू कहाँ रह गया।
अच्छा राजू का इंतजार करते हैं पहले थोड़ा सा। और ये जयसिंह भाई और राजू भाई आ गए, तो अब निकलते हैं हम यहाँ पे हाईवे के ऊपर रुके हुए हैं, तो चलो निकलते हैं यहाँ से और करते हैं राइड को ख़त्म, फटाफट से घर पे चलते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया। ये देखो अंधेरा हो गया पूरा सा, चलो चले। तो चलो वरना थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि भाई टाइम पे घर जाना है और बहुत दूर है भी और सर्दी भी लगने लग गई है, क्योंकि मैंने तो सुबह पहन रखा है भाई राइडिंग जैकेट, लेकिन जयसिंह भाई और उन्होंने भाई जो है नॉर्मल जैकेट से पहन रखा है, तो उस वजह से सर्दी वगैरह पड़ रही है अभी। तो टाइम पे ही चलते हैं और निकलते हैं। और दोस्तों ना आज के व्लॉग को करेंगे हम यही पे एंड, क्योंकि अंधेरा हो गया और आगे कुछ है ना ऐसा कुछ खास सीन तो भाई देखने को मिलेगा नहीं, और जो है व्लॉग भी अब नाइट में इतना सही बनेगा नहीं क्योंकि हाईवे पर लाइटिंग वगैरह भी नहीं है। तो आज के व्लॉग को करते हैं हम यही पे एंड, और कैसा लगा व्लॉग एक बार कमेंट और लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर नए हो तो अपने इंस्टाग्राम आईडी पे भी भाई जो है फॉलो कर लेना। अपनी इंस्टाग्राम आईडी है भाई सामने देखो आ रही है सुरेंद्र रावत 01, तो जल्दी जल्दी से फॉलो करो, सबको फॉलो बैक मिलेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, एक नंबर व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।